तो बर्तमान आम कौन करवा तुम इडी आम पोल पोल डिजाइन पोलटा डायग्राम कर तो पोल कौन एटा देख पोल कोर तुम सिलेबस अच्छी पोल कोर विथ पोल सू तो यहाँ तुम पोल पोल कोर कौटा तुम अलरेडी जाच पोल कोर कौटा ये पर्सन को आम पोल कोर कौचे नेक्स्ट बटम पर्सन जोटा रहा आम कौचे पोल सू ठीक अच्छे तो आम यू आम इडी कर तो डायमेनसन अलरेडी तुम ये दे तो डायमेनसन देखिए कर तो स्टार्ट कौन कर स्टार्ट कौटू कर टप्रु बटम आड़क आम आस ठीक अच्छे तो स्टार्ट कौन करवा ये लाइन अच्छी ये पॉइंट अच्छी ये पॉइंट आम पॉइंट गोटे ना तो ये पॉइंट के ना गोटे स्ट्रेट लाइन ना स्ट्रेट लाइन नहीं सारिकी ये गोटे पॉइंट कनसीडर करवा गोटे पॉइंट थर्टी डिग्री एंगल करके ए स्ट्रेट लाइन देन अगेन थर्टी डिग्री एंगल करके ए स्ट्रेट लाइन तो ये कौन करें आम स्केल टू इज टू वन स्केल ना ठीक अच्छे तुमको अलरेडी आर्थिंग में कही टेन इज टू वन स्केल तो यहाँ से तुम टू इज टू वन स्केल ठीक अच्छे तो टू इज टू वन स्केल आसने बर्तमान आम कौन कर गोटे स्ट्रेट लाइन नहीं कि थर्टी डिग्री एंगल करके आगे ड्र करवा मेजरमेंट अनुसार करवा ठीक अच्छे तो बर्तमान देख मु तो फास्ट तो इडी कर एंगेल फैंगेल के कौन कर प्रोजेक्शन में तो से अनुसार कर ठीक अच्छे तो फास्ट मतलब स्ट्रेट लाइन ना फास्ट गोटे स्ट्रेट लाइन ना तर गोटे पॉइंट फाइंड आउट कर लेट मुझे पॉइंट ना तो पॉइंट कौन कले बहुत सैड एपटू थर्टी डिग्री एपटू थर्टी डिग्री ड्र कर थर्टी डिग्री कमी ड्र कर तुम ड्राफ्टर एपुर गोटे थर्टी डिग्री एंगल अच्छे एपुर थर्टी डिग्री एंगल अच्छे ये थर्टी डिग्री कले देख मुझे देख बर्तन या सहित थर्टी डिग्री सेट कली थर्टी डिग्री सेट कले जो एंगलटा आसा यहाँ आसा तुम थर्टी डिग्री ठीक अच्छे तो ये पॉइंट पॉइंट नहींच तुम ये पॉइंट को रखिक स्ट्रेट लाइन लाइन टाण ये सब लाइन हाल्के टाण कहीं पर भाज ठीक अच्छे यहाँ गोटे लाइन आसा थर्टी डिग्री पुणी एपुर कौन कर थर्टी डिग्री करवा पुणी कौन कर बटम थर्टी डिग्री को सेट कर सेट कलो अगेन दुटा लाइन टाण लो ठीक अच्छे पाइल एंगल पाइल बर्तमान देख ये लेंथ देखिए देख लेंथ रे के 90 डिग्री मीन ए लेंथ जहाँ ए लेंथ से पार्लर है कि 90 डिग्री तो ए लेंथ जहाँ ए लेंथ से बर्तमान में कौन एटा आईटा ड्र करे तो ए लेंथ रे के 90 90 डिग्री कौन ए लेंथ रे 90 एटा वन हंड्रेड एट्टी सरी वन हंड्रेड टेन अलरेडी देखिए डायमेनसन तो जेहतु आम वन इज टू टू स्केल नहीं तो यहाँ के हम 90 हेल्ले 4.5 एटा हम के 5.5 तो यहाँ 4.5 नहीं डायमेनसन कर 5.5 डायमेनसन लेंथ रब तो 4.5 5.5 देख तो ए लेंथ रहा के 4.5 4.5 एटा तुम कैसे हम 5.5 ठीक अच्छे 4.5 गल 4.5 गल बर्तन कौन कर जो दुटा एंगल ताको पैरेलल कर ए लाइन सागर पैरेलल करके ये जो पॉइंट पाइछ ए पॉइंट आउ गोटे स्ट्रेट लाइन टाणी दो बर्तन अगेन या सहित पैरेलल कर टाणल या सहित पैरेलल कर आउ गोटे पॉइंट टाणल हो गला बर्तन ए पॉइंट पाइछ अलरेडी पॉइंट अलरेडी पाइछ हो गला तो
बर्तमान देख ए लेंथ 4.5 ए लेंथ 5.5 आम गोटे रम्बस टाइप रईगल तो रेस्ट जी रहा तक आम लिभेद ठीक अच्छे हेला बर्तमान देख आम बर्तमान देख ये सेप्टा पाई जाए उपर सेप्टा बर्तमान कौन करा ड्र करवा ठीक अच्छे ये तीनटा लाइन तो यार देख डायमेंशन के 85 पहले आम 2:1 स्केल कन्वर्ट कले कैसे हे 4.25 तो 4.25 लेंथ रीनटा वर्टिकल लाइन ड्र हम ठीक अच्छे तो वर्टिकल लाइन ड्र करने कौन कत डिग्री एंगेल रख 0 डिग्री एंगेल बर्तमान 4.25 लेंथ रो गोटे स्ट्रेट लाइन टाइल अगेन आ गोटे स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन ठीक है 4.25 लेंथ रो तीनटा स्ट्रेट लाइन होगा देन देख डायग्राम देख ए पॉइंट रो डायमेंशन दे देख 130 एटा मीन या सहित कनसेट कर ठीक अच्छे एटा या सहित कनसेट कर तो ए लेंथ रहा 130 मीन्स ए पॉइंट रु ए पॉइंट लेंथ है 130 तो आम यू 90 चलीगला रहा कैसे 40 मीनस एपट को 20 एपट को 20 तो 20 है 1:2 स्केल कले कैसे हम एपट को 1 एपट को 1 ठीक अच्छे तो एपट को 1 एपट को 1 नहीं कि आम लाइन ड्र कर तो ये 1 नब कौन कर ये लाइन ड्र कर या सागर पार्लाल कर पैरेलल कर लो बर्तमान 1 सेंटीमीटर हेला ए पॉइंट 1 सेंटीमीटर ए पॉइंट 1 सेंटीमीटर ए पॉइंट भी 1 सेंटीमीटर बट 1 सेंटीमीटर कौन है बाहर को है ना पाइल 1 सेंटीमीटर लगे बर्तन कौन कर लाइन को जॉइन कर सहित पार्लाल कर लाइन सहित पार्लाल कर लाइन सहित पार्लाल कल जॉइन कल जॉइन कल पुणी अगेन यहाँ को ठीक है सरला कंप्लीट ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो तुम 8 130 बर्तमान देख ए पॉइंट रु ए पॉइंट जाए कत लेंथ अच्छे 165 ठीक अच्छे तो 165 मीन्स आम जब तर सेंटर पॉइंट तर स्केल कन्वर्ट कले कैसे हे 82.5 बा 8.25 तो आम कौन करवा जो 130 नहीं चे तर सेंटर पॉइंट रु गोटे सेंटर पॉइंट फास्ट फाइंड आउट करवा फाइंड आउट करके ठीक अच्छे बर्तमान देख ये जाए कम्प्लीट हो जाए ठीक अच्छे बर्तमान देख नेक्स्ट कौन कर
आम एति जाए पाइले बर्तमान ये लाइन टाइम ड्र करा ये लाइन ड्र करा ये कौन कर जो स्ट्रेट लाइन सहित एटा 15 डिग्री एपट को एटा 15 डिग्री सेपट को एंगल कर ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देख फिफ्टीन एंगल है लेंथ कैसे नब देख 15 डिग्री एंगल है ये लेंथ रहा देखो ये लेंथ रिपोर्ट देखिए देख डायमेंशन दे 56 ठीक अच्छे तो 56 है स्केल कन्वर्ट कले कैसे आस 56 रहा 2.8 तो बर्तमान 2.8 र लेंथ 15 डिग्री एंगल गोटे लाइन ड्र कर ठीक अच्छे नेक्स्ट एटे से 2.8 लेंथ 15 डिग्री एंगल गोटे लाइन ड्र कर पाइल बर्तमान एटी से पॉइंट ड्र कर बट ये 15 डिग्री कौन हम अपोजिट हम है बर्तमान टू पॉइंट एट लेंथ रू पॉइंट एट लेंथ रिफ्टीन डिग्री एंगल ठीक अच्छे हो गला बर्तमान बर्तमान कौन कर जो लाइन थी या पैरेलल कर पैरेलल कर लाइन को जॉइन कर ठीक है बर्तमान देख ये मेजर कर आम आसला 8.25 तो टी कड़े 8.2 8.2 आस ठीक अच्छे तो 1.64 आस 165 ठीक अच्छे ये आसला बर्तमान कौन कर बर्तमान देख ये जो आम जो प्रीवियस फास्ट स्टार्टिंग करते जिनसा ये पोर्सनटा देख स्ट्रेट लाइन ना आर्क टाइप रही तो ये जो आर्क अच्छे आर्क के आर्क अच्छे तार रेडियस देख 290 आर्क मीनस 290 आर् रेडियस गोटे आर्क जब ड्र करा तार सेप्र आस ये तार रेडियस आर्क सिमिलरली ये गोटे आर्क अच्छे जो डायमेंशन के 160 आर्क तो आम जब स्केल कन्वर्ट करा के 8 सेंटीमीटर एटा के 14.5 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर नहीं कि फर्स्ट एटा ड्र कर 14.5 सेंटीमीटर नहीं कि एटा आर्कटा ड्र कर देख मु कर देख ये स्केल नहीं 14.5 अच्छे तो आम कौटा 14.5 बोले 290 तो आम कौटी आर्क हम ये पॉइंट आर्क हम तो कौन कर कौ पॉइंट से आर्क कर ये कर जे कर जे कर कौट कर तो से आर्कटा पॉइंट कौट फाइंड आउट कर यही पॉइंट बस जमी तुम एंगल को बाइसेक्ट कर पाइल गोटे पॉइंट तो ये पॉइंट बस जो पॉइंट पाइल से पॉइंट बसईक यू जॉइंट कर ठीक अच्छे अगेन यटा भी सेमती आर्क हम 14.5 रेडियस पाइल पॉइंट कम कि ना या लिखे ठीक अच्छे तो देख बर्तन आम एआर भर कम्प्लीट करदे बर्तन रहा कि ए आर्क गोटे अच्छे तार रेडियस के तार डायमेंशन के 160 आर्क तो कन्वर्ट कले कैसे हम 80 आर्क ठीक अच्छे तो 8 सेंटीमीटर गोटे रेडियस ना देख 8 सेंटीमीटर रेडियस नहीं 8 सेंटीमीटर रेडियस नहीं कि बर्तन गोटे पॉइंट फाइंड आउट करी पॉइंट
से पॉइंट रू ना उतना आर गोटे हो गला ठीक अच्छे आसला एटा तुम 160 आर आर्क आसला तो गोटे एटा कम शेष एगुल ठीक अच्छे तो बर्तमान देख ये स्ट्रेट लाइन रखा ये स्ट्रेट लाइन तुम दरकार नहीं को लिभ जी अनेसेसरी जी लाइन टाणी थी तक सब इरेज कर इरेज कंप्लीट नीट एंड क्लीन कर जो डायमेंशन थी से माप लाइन देद ठीक अच्छे बसला कंप्लीट हो गला तापर देखो ये जो लाइन जगह अच्छे कौन के लेखा दीटा तीन टा लेखा कंटिन्यू दीटा तीन टा लेखा अच्छे तो तुम्हें तारे साइड रे पैरेलल करके सेटा को एटा एंडिंग लाइन जो लाइन अच्छे एटा एंडिंग लाइन एपटे भितरपटे यार भितरपटे तो दुटा तीन टा लगा लाइन टाण ठीक अच्छे पार्लाल कर तुम्हें कम मुझे तो तुम कर आर्कटा जो जो आर्क टाइम से आर्क साइज रे दुटा तीन टा उपरको उपरको यार भितर को यार एपटे भितरपट को लाइन कर ठीक अच्छे तो बर्तमान रही है देख ये कौन एटा स्क्रू टाइट है रेबिट जगह रिपीट 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 ठीक अच्छे तो ये जो स्क्रू जगह टाइट है तार डायमेंशन सब दे देख एटा देख दे के जो लाइन रु 21 आ गए जिनस देख ये आर्क कले एक्जाक्टली मिसीनी तो कौन टे मैंने ये भाई आस बर्तन कौन कर फ्री हैंड रे फ्री हैंड टे मैनेज करदे ठीक अच्छे बर्तमान देख ये जो रेबिटा ये कैसे अच्छे 21 तो 21 है आम स्केल कनवर्ट कले 1 सेंटीमीटर आसो अप्रोक्सीमेटली 1 तो कौन कर पॉइंट 1 सेंटीमीटर हाइट नबो ए पॉइंट 1 सेंटीमीटर हाइट नबो तो देख ये जो सेंटर पॉइंट कैसे पाए ये 1 सेंटीमीटर हाइट ना गोटे लाइन टाण ये जो लाइन अच्छे स्ट्रेट लाइन यहाँ टाण तो ये गोटे पॉइंट पाइज सेमती स्ट्रेट लाइन टाण 1 पॉइंट हाइट पॉइंट ना बर्तमान देख यार 1 सेंटीमीटर हाई तो कौट पॉइंट पाइल ए पॉइंट पाइल तो डायमेंशन कितने दिला तारो 21 तो आम कनवर्ट कले कैसे कनवर्ट कले 1 आसो तो ताको कनवर्ट कले तो कनवर्ट करके बर्तमान देख एट 1.1 मापिली पॉइंट पाइली एट 1 मापिली पॉइंट पाइली तो सेंटर पॉइंट कमी पाइब एटू स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन टाण एटू वर्टिकल लाइन टाण तापर ए लाइन सहित पैरेलल करके 1 सेंटीमीटर रु गोटे लाइन टाणल एवं 1 सेंटीमीटर एटी करके आउट लाइन टाणल टाणी सारापर ताक कौन कर सेंटर करके तुम्हें गोटे सर्कल रबर देख एटा है रिपीट ठीक अच्छे हो गला से भाया आउ जी रहा यार डायमेंशन देख 60 तो आम डायमेंशन के 110 तो सेंटर पॉइंट पाइज सेंटर पॉइंट एपटू 30 एपटू 30 पॉइंट पाइज से पॉइंट पॉइंट दुटा यार सेमती कैसे यार डायमेंशन 45 तो 45 मिडिल पॉइंट पाइज मिडिल ने या 30 पॉइंट ये पॉइंट दुटा पाइज ठीक अच्छे देन अगेन यार डायमेंशन देखिए 70-60 तो ये चार्टा भी रिपीट तुम निजे कर सारे तुम डायमेंशन दबो ठीक अच्छे है तुम पोल कोर विथ पोल सू
ठीक है जी, थैंक यू।